आगे बढ़ेंगे। रणथंभौर से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको देंगे। रणथंभौर टाइगर रिजर्व सवाई माधोपुर में भ्रमण के लिए टिकट बुकिंग के संबंध में चेतावनी है। फील्ड डायरेक्टर पी कथिरवेल ने जारी की चेतावनी। जिन पर्यटकों द्वारा एडवांस करंट अथवा तत्काल टिकट बुकिंग नहीं करवाई गई, वे बिना टिकट कंफर्मेशन के टाइगर सफारी भ्रमण के लिए सवाई माधोपुर प्रस्थान नहीं करें। अगले 7 दिनों के स्पेशल कैटेगरी टिकट उपलब्ध नहीं है। आमजन सामान्य पर्यटकों से टिकट उपलब्ध कराने के नाम पर धोखाधड़ी की जा सकती है। इस संबंध में उन्होंने पर्यटकों से सावधानी बरतने और जागरूक रहने की अपील की। ज्यादा जानकारी देने के लिए एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। निर्मल जी, अभी मैं ये आपकी महत्वपूर्ण रिपोर्ट पढ़ रही थी, इसमें साफ कहा गया है कि बिना प्री बुकिंग के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के लिए पहुंचना खतरे से खाली नहीं है। पीछे की क्या वजह देख रहे हैं, जहां पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, क्या ये बड़ी वजह और किस तरह से ठगी हो रही है पर्यटकों के साथ? निश्चित तौर पर देखिए शिखा, इस समय टूरिज्म की दृष्टि से अगर माने तो जो रणथंभौर है वो राजस्थान का सबसे हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है। हर एक आदमी, हर एक पर्यटक यहाँ आना चाहता है, यहाँ रुकना चाहता है, यहाँ सुनहरी चमड़ी के जो सबसे एपेक्स प्रेडेटर है बाघ, उसको नजदीक से देखना चाहता है उस टाइगर को। लेकिन विडंबना देखिए कि यहाँ के जो DCF है, यहाँ के DCF टूरिज्म है, वो लगातार उनका फोकस टाइगर कंजर्वेशन को लेकर के नहीं रहा और वो इधर उधर उनका ध्यान जरूर भटक रहा है। लेकिन जो पी कथिरवेल है, यहाँ के जो फील्ड डायरेक्टर है, जो CCF भी है यहाँ के, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि किसी तरह की सिफारिश नहीं चलेगी, किसी तरह का दबाव नहीं चलेगा। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी जारी की और अपील भी की है उन पर्यटकों से कि जिनके टिकट कंफर्म नहीं है वो सवाई माधोपुर का रुख ना करें, क्योंकि यहाँ बहुत सारे दलाल, बहुत सारे बिचौलिए उनके साथ ठगी कर सकते हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप बने हुए जो उनके साथ ठगी कर सकते हैं। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिनका टिकट कंफर्म नहीं है वो यहाँ पर नहीं आए, और जिनको जरा सा भी कंफर्मेशन, जिनको जरा सा भी कंफ्यूजन है, उन्होंने पी कथिरवेल ने अपने खुद के नंबर जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि मेरे नंबर पर आप अपना टिकट भेजिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह की स्थिति है, आपको यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए, आपका टिकट कंफर्म है या होगा या नहीं होगा। साथ ही जो VIP कैटेगरी, जो स्पेशल कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें खास तौर पर वो लोग आते हैं जिसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें न्यायपालिका के अधिकारी हैं, जिसमें जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी साफ तौर पर कहा है कि किसी तरह के दबाव की स्थिति नहीं है, क्योंकि 3-3 महीने, 4-4 महीने पहले लोगों ने यहाँ पर बुकिंग करा ली थी। उनको यहाँ पर प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है और किसी भी तरह का, अगर जब तक भी स्पेशल कैटेगरी के टिकट भी बोले अगर आपकी कन्फर्म नहीं है तो आप यहाँ नहीं आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगले 7 दिन तक स्पेशल कैटेगरी के जो टिकट हैं वो उपलब्ध नहीं है, किसी तरह का दबाव वो स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे वो प्रशासनिक स्तर पर हो चाहे सियासी स्तर पर हो। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि रणथंभौर के किसी फील्ड डायरेक्टर ने या CCF ने इतना बोल्ड स्टेप, क्योंकि इसको एक बहुत साहसिक कदम कहेंगे शिखा, क्योंकि वहां हर दृष्टि से, कार्यपालिका की बात करें, न्यायपालिका की बात करें, व्यवस्थापिका की बात करें, वहां के जो बहुत बड़े बड़े नाम है वो वहां पहुंचना चाहते हैं, उनके बहुत अलग अलग तरीके से वहां पर CWLW के स्तर पर, HOF के स्तर पर, ACS के स्तर पर और तमाम जो बड़े अधिकारी उनके स्तर पर उनकी सिफारिश पहुंचती है। तो उसने साफ तौर पर कह दिया और बहुत साहसिक है, क्योंकि पी कथिरवेल ने अगर ये काम किया है ये इनको नुकसान भी पहुंचा सकता है, कल को उनका वहां से ट्रांसफर भी हो सकता है, उनके खिलाफ दूसरे तरह के और एलिगेशन भी उनके खिलाफ हो सकते हैं लगे हैं। लेकिन पहला ऐसा शख्स है, पहला ऐसा अधिकारी है जिसने इतना साहसिक कदम उठाया और साफ तौर पर कह दिया चाहे स्पेशल कैटेगरी हो वो 7 दिन तक ना आए, और जो सामान्य कैटेगरी के भी हैं जिनका टिकट कंफर्म है वो भी यहाँ नहीं आए, उनको परेशानी होगी, बिचौलिए या दलाल उनसे मोटी कीमत वसूल सकते हैं और उनको बरगला सकते हैं, उनके साथ ठगी हो सकती है। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है कहा जा सकता है। और देखिए खास बात ये भी है शिखा कि जिस तरह से रणथंभौर इस समय हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है, वहाँ एक बार में प्रतिदिन 144 गाड़ी ही जा सकती हैं, उससे ज्यादा वाहन नहीं जा सकते, यानी एक दिन की कैपेसिटी रणथंभौर की 3200 से 3300 टूरिस्ट है, जबकि वहाँ जो वेटिंग है उसकी स्थिति है कि 50,000 से ज्यादा लोग रणथंभौर पहुंचना चाहते हैं अगले 5-6 दिन के अंदर, 31 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी या 3 जनवरी तक की बात करें। तो निश्चित तौर पर बहुत साहसिक कदम उठाया और कहा जा सकता है कि इस कदम से फायदा भी होगा, लोग जागरूक होंगे और जो लोग जिनके जो ठगी के शिकार हो सकते थे वो भी बचेंगे, और वो अधिकारी, वो चाहे वो न्यायपालिका के सदस्य हो, चाहे कार्यपालिका के, चाहे व्यवस्थापिका के, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इस बात के लिए जागरूक होंगे कि हाँ किसी तरह की अगर स्थिति वहां बनती है तो निश्चित तौर पर अगर वो दबाव पड़ेगा तो स्थितियां बिगड़ेंगी, तो वो भी इस बात से बचेंगे। तो कहा जा सकता है साहसिक कदम जरूर है, लेकिन ये रणथंभौर के हक में रहेगा और उन 2 अधिकारियों के लिए सबक भी है, जो नीचे जो DCF है, जो DCF सामान्य वाइल्ड लाइफ है, वहां पर जो DCF टूरिज्म, उनके लिए भी सबक है कि वो किसी तरह के दबाव में आकर के वो टाइगर
जो कंजर्वेशन है उसको छोड़ करके जो बिल्कुल निर्मल जी बोल्ड, साथ ही साथ न्यायप्रिय फैसला उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले ही एडवांस बुकिंग करवा ली है। बहुत शुक्रिया निर्मल जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।